आज सनातनी भटक गया है बहुत। कुत्ते पालते हैं, कुत्ते पूरा पोथन्ना लेके आया हूं आज कुत्तों के लिए। आज का विशेष, आज के सत्र की विशेष कथा, कुत्तों से सावधान। बहुत से लोग कहते हैं कि ये कथाकार जो है पागल हो गए, आज के आधुनिक मॉडर्न टाइम में ये लोग कहते हैं कुत्ते मत पालो, ये कोई बात हुई। कई लोग सहमत होते हैं इस बात से, कई लोग सहमत नहीं भी होते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मुझसे सहमत हो जाइए। दुर्भाग्य यह है आज के व्यक्ति अपने आप को मॉडर्न कहते हैं। देखिए, पहले लोग घरों में गऊ रखते थे, कुत्ते घर के बाहर होते थे। पहले घर में माँ बाप होते थे, जानवर सब बाहर रहते थे। आज का दुर्भाग्य देखो, बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ाते हैं, गऊओं को गौशाला में छोड़ाते हैं और कुत्तों को बेडरूम में सुलाते हैं, सोफों पे रखते हैं, रसोई में रखते हैं, पूरे घर में कुत्ते घूमते रहते हैं। अब कुत्तों का अगर गाय का संग करेंगे तो देवत्व आएगा हम में, माँ बाप का संग करेंगे तो मानवता आएगी हम में, और कुत्तों का संग करेंगे तो क्या आएगा हमें बताओ। सुनो, वही बता रहा हूँ, क्या आएगा। ये कहानी स्पेशल कुत्तों की है, इसको अवश्य सुन लें, आप ध्यान से सुन लें। जिसके घर में कुत्ता होता है उसके यहां देवता, जो भी आप यज्ञ इत्यादि करते हो सभी को स्वीकार नहीं करते। जिसके घर में कुत्ता है उसके घर की भोग इत्यादि जो भी आप लगाते हो, यज्ञ करते हो, हवन करते हो, हवी को, हवश्य को देवता स्वीकार नहीं करते, भोग को देवता स्वीकार नहीं करते। यदि कुत्ता घर में ही और किसी का देहांत हो जाए, जैसे घर में कुत्ता है और अगर किसी का देहांत हो जाए तो देवताओं तक पहुंचने वाली वस्तुएं देवता स्वीकार नहीं करते। अतः यह मुक्ति में, मुक्ति जो होती है मनुष्य की, उसमें बाधा डालता है। अगर कोई मृत्यु किसी की हो जाए और घर में कुत्ता है तो वहाँ जो कार्य होंगे, जो हम लोग कहते तुलसी गले में मुख में डाल दो, गंगा जल डाल दो इत्यादि इत्यादि जो क्रम बताए जाते हैं, वो प्रभावी नहीं होंगे उन घरों में जिन घरों में कुत्ते हैं, तो मुक्ति में बाधा डालेगा। हमारे यहाँ तो ये कहते हैं कुत्ते के छू जाने पर ब्राह्मणों के यज्ञोपवीत भी खंडित हो जाते हैं। अगर ब्राह्मणों को कुत्ता छू ले या यज्ञोपवीत धारण करने वाले लोगों को कुत्ता छू ले तो उन्हें अपना यज्ञोपवीत तुरंत सूंघ भी ले, छूना तो छोड़ दीजिए, सूंघ भी ले तो उन लोगों को तुरंत अपना यज्ञोपवीत बदल लेना चाहिए, तभी वो शुद्ध होगा। कुत्ता किसी भी वर्ण के यहाँ पालने का विधान नहीं है। कुत्ता प्रति लोमाज वर्ण संकर इत्यादि अत्यंत नीच जाति जो कुत्तों का मांस तक खाती है उनके यहाँ भी पालने योग्य नहीं है। जो मांस भी खाते हैं उनको भी नहीं कुत्ता पालना चाहिए। और तो अन्य वर्ण यदि कुत्ता पालते हैं तो वे उसी नीचता को प्राप्त हो जाते हैं। कुत्ते की दृष्टि जिस भोजन पर पड़ जाती है वह भोजन खाने के योग्य नहीं रहता है। और यही कारण है कि जहाँ कुत्ता पाला जाता है वहाँ जाना भी नहीं चाहिए। जिसके घर में कुत्ता हो उस घर के भोजन को भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, और जो ऐसा करते हैं तो उनके सामने भी बाधा उत्पन्न हो जाती है। इसलिए लिखो कुत्तों से सावधान। अगर मुक्ति चाहते हो तो कुत्तों से, देवताओं की कृपा चाहते हो तो कुत्तों से, यज्ञोपवीत खंडित ना हो अगर ये चाहते हो तो कुत्तों से, तुम्हारे वंश परंपरा यों की त्यों बनी रहे अगर ये चाहते हो तो कुत्तों से, तुम्हारा भगवान भोग लगा ले वस्तु का अगर ये चाहते हो तो कुत्तों से, और अगर तुम चाहते हो कि जिस भोजन को तुम कर रहे हो वो भोजन तुम्हें तृप्ति प्रदान करे तो कुत्तों से, तुम्हारे घर में भोजन करने वाले भी उनके धर्म पर चलते रहें तो कुत्तों से, अपना कल्याण चाहते हो तो कुत्तों से, बाहरी खिलाओ।
कुत्तों को जो भी खिलाना चाहिए। देखो हमारे यहाँ कितने गजब की बात है, पहली रोटी गाय को आखिरी रोटी खिलानी चाहिए। कुत्ते से भी हमारे यहाँ प्रेम तो है, लेकिन घर में रखने के लिए नहीं, घर में गाय रखनी चाहिए, कुत्ते नहीं। बोलो राधे राधे।